बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैं ड्यूटी कर रहा था टेली इंडस्ट्री की टेली मेडिसिन सेंटर निश्चर में, तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने टेंशन में हैं, ओवरऑल दुनिया में इतना खौफ फैला हुआ है, तो कुछ ऐसा मैं डिफरेंट सा फेसबुक पर शेयर करूँ जिससे लोग कमेंट्स करें, थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो मेरे जहन में यह आया कि जिस तरह से पेशेंट्स अक्सर आते हैं हमारे पास डेंटल सेक्शन में या डेंटल जो क्लिनिक्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर वो विज़िट करते हैं, तो अक्सर उनमें से पहले से ही अपनी तशखीस करके आए होते हैं, उनके कुछ मिथ्स होती हैं उनको वो आके हमारे सामने बयान करते हैं, या जो भी उनके जहन में आता है वो डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं जो कि कुछ फ़नी भी लगती हैं, कुछ डिफरेंट सी भी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि वो मैं स्टेटस ऐसा लगाऊँ, तो मैंने फेसबुक पर ऐसा स्टेटस लगाया जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी जो हमारे दोस्त उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसिस हमसे शेयर किए। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप भी ये बातें सुनें, सुन के आपको रिलैक्सेशन भी फील होगी। मकसद किसी की तस्दीक करना बिल्कुल भी नहीं है, एक शेयरिंग है और उसको हम देखते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग जो इसको सुने उनको इससे गाइडेंस भी मिल जाए, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है, आप एंड तक वीडियो देखिएगा। कोई 10-15 तकरीबन एक्सपीरियंसिस हैं जो कि सब ने शेयर किए, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है इस फॉर्म में और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो द टॉपिक इज़ डेंटिस्ट पेशेंट एक्सपीरियंसिस and an innovative dental patients and their scientific diagnostic findings, मतलब कि वो खुद बखुद ही उनके जहन में जो इख्तरा होती है वो उसको आके हमारे सामने बयान करते हैं, तो वो हमने उसको समराइज़ किया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि किसी की तस्दीक करना मकसद बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, देर इज़ नथिंग पर्सनल इन दिस वीडियो, और जो भी है वो सिर्फ फ़न के लिए है, जस्ट गाइडेंस के लिए है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा जो आपके जहन में बात आए, और चैनल सब्सक्राइब भी हमारा कर लें। तो फर्स्ट वन जो था, जो एक डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किया, वो क्या था कि उनके पास जो पेशेंट आए उन्होंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब दंत कड़न नाल बंदा अन्ना हो जाता है, मतलब कि उसके परसेप्शन क्या है कि दांत निकालने से आंखों पे बिनाई पे भी असर पड़ सकता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन उसने आके बताई, उसके कोई मिथ बनी हुई थी पहले से कोई जहन में था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि दांत निकालने से कोई आंखों पे फ़र्क आ सकता है, ठीक है। वो कोई और कोई एक्सपीरियंस के साथ हुआ होगा या कुछ ऐसा हो सकता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन ये अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि दांत के किसी इलाज से या दांत को निकालने से, अब दांत इस कंडीशन में अगर आ गया है हमें निकालना ही पड़ रहा है तो जाहिर है उसका यही इलाज है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि दांत निकालने से कोई आंखों पर बिनाई पर भी असर पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात जो एक और डॉक्टर साहब ने की वो थी कि एक दांत निकाला तो सारे दांत निकल जाएंगे, डॉक्टर साहब ये पेशेंट की कंसर्न थी। तो बात ये नहीं है कि एक दांत हम निकाल दें, अगर कोई बिल्कुल ख़राब हो गया तो उसके निकल जाने से बाकी दांत खुद ब खुद निकलने लग जाएंगे, बस ये हो सकता है कि दांत जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई उसको निकालना पड़ गया है, तो उसको निकालने के बाद आप उसको उसकी जगह जो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट है वो ज़रूर लगवा लें, तो इंशाल्लाह आपके बाकी दांत नहीं निकलेंगे। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है, एक मिसकंसेप्शन है कि एक दांत निकालेंगे तो सारे दांत निकलने लग जाएंगे। वो जो उस दांत के साथ हो चुका है, जो नेगलिजेंस की वजह से जो भी हो चुका है, चलो वो तो हमें निकालना पड़ रहा है, लेकिन बाकी दांतों को आप बचा सकते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट करवाएं और इंशाल्लाह वो आगे सेव रहेगा। जो तीसरी एक चीज़ शेयर की किसी डॉक्टर साहब ने, वो क्या था जी कि डॉक्टर साहब दांत निकालने से दिमाग कमज़ोर और आई साइट ख़राब हो जाती है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आपका जो भी मतलब उसने ये सोची बात या किसी ने उसको कही और एक उनके जहन में एक परेशानी है, तो आप पहले से ही दानाई का सबूत दें, अपने दांतों की हिफाज़त करें, उनकी सफाई रखें, कोई मसला छोटा मोटा होता है उसकी फीलिंग करा लें आके, तो आपका दांत वैसे ही नहीं निकालना पड़ेगा। तो बाकी दांत के निकालने से दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता, ब्रेन पे कोई डैमेज नहीं होता और आँखें भी ख़राब उसकी नहीं होती। पहले ही अपनी आँखें खुली रखें ताकि आप पहले से ही दांतों की हिफाज़त करें अपनी, ना दांत ख़राब होंगे ना निकालने पड़ेंगे। अच्छा, एक और कंसर्न क्या थी जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब दांतों को धुआं देने से दांत का कीड़ा बाहर निकल आता है, और आप यकीन करें मैंने खुद देखा है कि और अगली दफ़ा अगर हो सका तो मैं साथ भी लेता आऊँगा आपके पास। अब ये देखें कितनी एक अजीब सी बात थी जो भी उनके जहन में थी, किसी गाँव से शायद वो पेशेंट आए थे, कि दांतों को अगर हम धुआँ दें तो उसके दांत का जो कीड़ा है वो बाहर निकल आता है, और वो इतना इस चीज़ पर पक्का था। डॉक्टर साहब बेचारे उनसे उन्होंने बात भी की कैसी बात नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप यकीन करें मेरी बात का, अगली दफ़ा हो सकता तो मैं साथ ही लेकर आऊँगा वो कीड़ा। तो ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं डेंटिस्ट को जब भी पेशेंट उनके पास आता है, तो ये चीज़ ही बिल्कुल अजीब सी है।
उसके बाद क्या है जी, डॉक्टर साहब से एक पेशेंट ने कहा कि मेरे दांत नज़ूल की वजह से ख़राब हो गए हैं डॉक्टर साहब, ये हमारा ख़ानदानी मसला है। अच्छा, तो नज़ूल जैसे क्या पता है कि फ्लू की वजह से दांत ख़राब नहीं होते, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि फ्लू की वजह से दांत ख़राब होने लगे हैं। दांतों की आपने हिफाजत ही नहीं की, आपने सफाई नहीं की, आपने और कुछ नहीं किया, तो अपने दांतों की हिफाजत करें और फ्लू का इलाज भी ज़रूर करें। लेकिन ऐसी बात नहीं कि फ्लू होने की वजह से या नज़ूल होने की वजह से आपके दांतों पर कोई असर पड़ेगा। दांतों का अपना मसला है, उनका अपना मसला है, ठीक है, पूरी बॉडी कनेक्टेड है आपस में। हो सकता है इम्यूनिटी लो होने की वजह से कुछ हो सके इसकी वजह से, लेकिन वैसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि अगर आपको फ्लू हो गया तो दांत आपके ख़राब हो गए हैं। ज़रूर आपने ही कोई उसमें नेग्लिजेंस आपकी होगी, आपने सफाई सही नहीं रखी होगी, उसकी वजह से दांत आपके ख़राब होते हैं, ठीक है? और ये ख़ानदानी मसला बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको भी बिल्कुल ना करें कि बिल्कुल ख़ानदान पर ही डाल दें कि जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमने कोई मसला नहीं, हम दांत साफ़ भी ना करें, कुछ भी ना करें और दांत ख़राब भी ना हो, तो ये ख़ानदानी मसला भी ऐसा नहीं होता। जेनेटिक्स में ठीक है कुछ डिजीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करेंगे दांतों की तो वो चीज़ें भी नहीं होती, ठीक है? ये जहन में रखें। अच्छा, फिर एक चीज़ शेयर की किसी ने, और ये बहुत ही मज़ेदार बात थी कि उसने कहा, कोई खातून उनके पास पेशेंट आई, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब हुक्के की टोपी को उल्टा करके थुकनी दी थी अपनी बेटी के मुंह से अंदर रख के डॉक्टर साहब, तो यकीन करें नाखून नाखून जितने कीड़े बाहर गिर रहे थे। चलें जी, ये भी हमारे गांव में, हमारे जो देहात हैं आपको पता है वहाँ पर अजीबो गरीब सी चीज़ें हैं, कि उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने हुक्के से, जिस तरह पहले पेशेंट ने डॉक्टर साहब को कहा कि धुआं दिया था तो उस वजह से कीड़ा बाहर निकल आया था, तो इन्होंने भी तकरीबन ऐसी ही बात की है कि वहाँ पे मैंने जी हुक्के की उसके टोपी रख के दुंगनी दी तो वहाँ से कीड़े बाहर निकलने लगे, जो उनके साइज़ भी वो बता रही है कि कीलों जितने बड़े बड़े वो कीड़े थे। अब इस पेशेंट से आप जितना मर्ज़ी बहस कर लेंगे वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगी, वो यही कहेगी डॉक्टर साहब मैंने तो देखा है। उनकी एक मिसकंसेप्शन बन चुकी है ये, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कि दांत में इतने बड़े बड़े कीड़े हों कि वो ऐसे निकलने लग जाएं। ठीक है, बैक्टीरिया जाके इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं जो हमें नज़र आ सके। अच्छा, एक और जो मिसकंसेप्शन या एक और जो मिथ थी वो उन्होंने कहा जी सफाई करवाने से दांत हिल जाते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है वैसे बात कि क्यों हिलते हैं, क्या वजह होती है, ये समझने की बात है कि जब भी हम स्केलिंग करवाते हैं तो होता क्या है, पहले इतना बुरा असर हो चुका होता है कि दांतों में और मसूड़ों के दरमियान में पत्थरी जमी होती है, हैवी कैलकुलस होता है, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे जम जाते हैं कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से। तो जब उनको हम रिमूव करते हैं स्केलिंग में तो ज़ाहिर है एक गैप बन जाता है, वक्ती तौर पे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है दांतों मसूड़ों का, लेकिन वो सफाई रखने से, ब्रशिंग करने से, माउथ वॉश करने से दोबारा भी बन सकता है, ठीक है? लोकल ड्रग एप्लीकेशन से दोबारा से वो कनेक्शन कुछ ना कुछ डेवलप हो सकता है। तो वो रीज़न डॉक्टर की उस स्केलिंग से नहीं आपके दांत हिलते, वो दांत हिलते हैं आपकी इस चीज़ से कि पहले उसमें सफाई ना रखने की वजह से इतने पत्थर जमे हुए हैं कि जब उनको रिमूव करेंगे तो ज़ाहिर है कुछ अर्से तक कनेक्शन लूज़ होगा, दांत भी आपके लूज़ आपको लगेंगे, गैप ना आपको फील होगा उसके अंदर। तो स्केलिंग आप करवा लें टाइम से, ये नहीं कि सफाई मैंने नहीं करानी कि मेरे दांत हिलने लग जाएंगे, ये चीज़ भी ध्यान में रखें। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब ने हमसे शेयर किया कि उन मरीज़ ने उनसे कहा डॉक्टर साहब फिलिंग की कितनी गारंटी है और कितनी वारंटी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि दांतों की बीमारी हमारी ख़ानदानी, वही बात जो पहले हो चुकी है। तो ये चीज़, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि फिलिंग या दांतों की जो भराई है वो कितना अर्सा चलेगी, ठीक है? हर बंदा अपनी कोशिश करता है, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करता है, अच्छे तरीके से टेक्निक से वो फिलिंग आपकी करता है, लेकिन उसके बाद ये भी नहीं कि अक्सर पेशेंट क्या करते हैं, फिलिंग करवाने के बाद वो उससे जंग करना शुरू करते हैं। उनके जहन में होता है मैंने इसको चेक करना है कि फिलिंग कब तक चलेगी, इसमें हर तरीके से इस पर मैं जबान भी लगाऊँ, इसको मैं ज़ोर ज़ोर से दबा के भी देखूँ, हाथों से भी लोग पकड़ के कोशिश करते हैं स्ट्रेंथ चेक करने की फिलिंग की। तो जो आपकी दांतों की फिलिंग की है, आपका दांत का असल पार्ट वो आप लूज़ कर चुके हैं, वो किसी कीड़ा लगने की वजह से या केरीज या कोई भी प्रोसेस जो भी हुए उसकी वजह से आप वो लूज़ कर चुके हैं। अब जो भी आर्टिफिशियल आपने फिलिंग कराई है, जो भराई आपने कराई है दांतों की, वो खाने पीने में तो आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसको आपने खुद चेक नहीं करते रहना हर वक्त जाके कि भाई ये कब तक चलती है। तो इस चीज़ की बिल्कुल, ये चीज़ गलत पूछना है, गारंटी कितनी होगी इसकी या वारंटी, आप उसको जिस तरह डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं उस तरह से एहतियात करें, उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह वो मैक्सिमम टाइम पर चलेगी। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब ने हमसे शेयर किया कि पेशेंट जब आते हैं तो उनको आप बताते हैं मुख्तलिफ इलाज, रूट केनाल ट्रीटमेंट बताते हैं या और भी कोई जो इलाज उसका बनता है दांत का, जो भी डायग्नोसिस होता है उसके मुताबिक, लेकिन कुछ पेशेंट इस चीज़ पर फोकस करते हैं, वो पक्के होते हैं कि नहीं जी इस पर फिलिंग ही करनी है। तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप बस फिलिंग करें, चाहे पीप हो जो भी है, मैंने दांत डेड नहीं करवाना, आरसीटी नहीं करवानी, फिलिंग द होल इज़ द ओनली ऑप्शन इन देयर माइंड।
तो ये चीज़ भी बेचारे जो डेंटिस्ट एंड डॉक्टर हैं उनको ये चीज़ अक्सर बेयर करनी पड़ती है कि पेशेंट को आधा आधा घंटा लग जाता है समझाने में कि भाई आप इस पे फिलिंग करा लो, इस पे आप रूट कैनाल करा लो, या जो भी ट्रीटमेंट है वो आप करवा लो, अगर बिल्कुल सेवेबल नहीं है तो निकलवा लो। लेकिन कहते नहीं, बस आप जैसी भी कोई जड़ पड़ी है, कुछ है, कोई उसमें पी पड़ी हुई है, आप उसमें बस फिलिंग करें, मुझे पता है डॉक्टर साहब आप फिलिंग करें। तो ये भी वो अपना बना के आते हैं पहले से इलाज कि हमें पता है कि हमने इसमें क्या करवाना है। तो ये चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। और जो बेचारे डॉक्टर हैं वो समझाने में थक जाते हैं, लेकिन ठीक है, ज़ाहिर हमारा काम है कि हमने समझाना है आपको। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी आपका इलाज है, जो आपको डॉक्टर तजवीज़ कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करें, वही करवाएं, आप खुद अपना नाम बनाएं डायग्नोसिस। अच्छा जी, एक और डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने क्या शेयर किया जी कि हाँ, ये बहुत ही हमारे जो जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया स्पेशली इन इलाकों में, बांग्लादेश में बहुत ही कॉमन है कि एंटीबायोटिक की सेल्फ मेडिकेशन, या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर से, डेंटिस्ट से, कि जब तक वो 3-4 एंटीबायोटिक नहीं देगा स्ट्रॉन्ग किस्म की पोटेंसी वाली, तब तक कोई उसका इलाज नहीं है, वो डॉक्टर ही ठीक नहीं है। तो कहते हैं डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक तो आपने लिखे नहीं नुस्खे में, ऐसे कैसे इलाज पूरा हो जाएगा? तो ये भी अक्सर बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है कि आप मरीज़ को कम से कम दवाइयाँ लिख दें उसकी बेहतरी के लिए, आपने उसका इलाज किया, आपने उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया, RCT कुछ भी किया है, उसके बाद आपने कम से कम दवाइयाँ देनी है उसको ताकि और प्रॉब्लम्स ना हो। क्यों इतनी मेडिसिन उसको देंगे, या उसके और कोई स्टमक प्रॉब्लम हो जाए, कोई और इशू हो जाए? तो दुनिया में तो यही है ना कि वो कहते हैं कम से कम एंटीबायोटिक्स आपने प्रिस्क्राइब करनी है, लेकिन हमारा मरीज़ तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता जब तक 2-3 एंटीबायोटिक्स उसमें नुस्खे में ना लिखी जाए। तो ये कॉमन है कि जैसे ही आप उसको 1-2 मेडिसिन लिख दो कि चलो ये कर लो आप, या मेडिसिन नहीं लिखोगे आप, उसे कह देंगे एहतियाती तदाबीर हैं, आप जाके अमल करें इन पर, लेकिन वो कहेगा डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, आपने तो एंटीबायोटिक लिखी नहीं है, इस तरह कैसे होगा? और वो ज़रूर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा या किसी अताई के पास जाएगा दो जो उसे 3-4 दवाइयाँ लिख के देगा हैवी, और फिर वो सेटिस्फाई होगा। अच्छा, एक और जो एक्सपीरियंस है वो क्या है जी, डॉक्टर साहब चावल खाधे सी ते दंद इच रस्सा पै गया है, मतलब कि चावल उसने खाए हैं, वो कहते दांत में कोई पीप पड़ गई, इन्फेक्शन पड़ गया, या फिर वो कहते हैं कि दूध पीवा ते रस्सा पै जाता है। ठीक है, दूध पीने से भी उसको इन्फेक्शन हो जाता है और चावल खाने से भी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप वही क्या दूध पीने से, अब आप दूध पीने से तो ज़ाहिर है कैल्शियम आपको मिलेगा, दांत आपके ज़्यादा मजबूत होंगे, कोई और कंडीशन हो सकती है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि किसी चीज़ के खाने से आपके दांत को मसला हो जाएगा, दांत में पहले इतना प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपने चावल खाए उसका कोई दाना फंस गया अंदर जाके, जिसकी वजह से इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ गया, उसको स्पेस नहीं मिल रही है पस ड्रेन होने की, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और अक्सर पेशेंट आके इस पर इंसिस्ट करते हैं कि मैं दूध नहीं पी सकता जी, डॉक्टर साहब मैं दूध कैसे पीऊँ, मेरे तो दांतों का मसला इतना है, मसूड़ों का इतना मसला है, मसूड़ों में मसला हो जाता है, दांतों में हो जाता है प्रॉब्लम, तो मैं दूध नहीं पी सकता या पी सकती, चावल मैं नहीं खा सकता। चलें जी, एक और जो एक्सपीरियंस था या एक और बात जो सुनने को मिली, तो वो ये होता है कि पेशेंट आए कहते हैं, वो पहले से उसने बनाया हुआ अपना प्लान, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस तुसी दंद कटो, जल्दी मेरी बेटी ना दे नवे आ जाने, मतलब उसका क्या है, उसका ये कंसेप्ट है कि मैंने इसको नहीं बचाना, दांत को निकालने नहीं आ जाएंगे। कुछ ऐसे आते हैं देहात से भी, इवन शहरों से भी आते हैं, जिनका ये होता है कि नहीं दांत निकल आएंगे, बेशक वो परमानेंट टूथ हैं, ऐसी उम्र में आते हैं बच्चों को लेके या अपने किसी बहन भाई को कि जिसमें उनके दूध के दांत गिर चुके हैं और पक्के दांत अब आए हुए हैं, परमानेंट टूथ जो हैं, लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि जी नहीं डॉक्टर साहब मैंने ज़्यादा पता है, जिस तरह वो कहते हैं जी इनके पास पेशेंट, उसने क्या कहा, मेरी नंदी कुड़ी दे पक्के दांत इच कीड़ा लगा सी, उन्हें कटा दिता फिर नवे आ गए, तो उन्होंने नहीं पता आ जाने ने, मेरी जिम्मेवारी है, मतलब इस तरह इंसिस्ट करती है पेशेंट या पेशेंट करता है कि भाई आपको नहीं पता, आप दांत निकालो हमें पता दांत आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए, आप जो आपको डॉक्टर बता रहा है उसने कुछ पढ़ा हुआ है, उसको कुछ एक्सपीरियंस है, जो भी वो आपको गाइड कर रहा है उस पर आप अमल करें, ये नहीं कि आप बस आके इंसिस्ट करें कि ये बस दांत निकालें हमें पता है आ जाएंगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग काफ़ी उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ और पेशेंट ने इस तरह इंसिस्ट किया उनके साथ। अच्छा जी, ये तो बहुत ही मज़े की बात है, वो कहते हैं पान छालिया और गुटखा खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं, माशाल्लाह, दांत कहाँ मजबूत होंगे, पान छालिया गुटखा तो ऐसी चीज़ है कि दांत क्या, दांतों के साथ साथ वो मसूड़ों पे और जो भी आपके मुंह के अंदर जैसे जबान है, कोई स्ट्रक्चर है उसमें, वो फाइब्रोसिस कर सकता है, उसमें अल्टीमेटली वो ओरल कैंसर बन सकता है। तो पान छालिया गुटखा तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, दांतों पे भी क्या वो स्टेन भी कर देता है, दांतों को क्रैक भी कर देता है, इवन फ्रैक्चर भी हो जाते हैं दांत,
पान छा लिया और गुटखा खाने से। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद एक और एक्सपीरियंस था कि वही दांत निकालने से नज़र कमज़ोर हो जाती है, पहले भी ये बात हुई है। और क्या बात है कि डॉक्टर साहब, सिगरेट पीने से मसूड़े सेहतमंद हो जाते हैं, मैं जब सिगरेट छोड़ता हूँ तब भी खून आता है मसूड़ों से। तो भाई सीधी सी बात है, सिगरेट में निकोटीन है, वो कंस्ट्रिक्शन करती है, नीचे से तबाही होती रहती है। जो भी आपके दांत और मसूड़े आपस में मिलते हैं उनके अंदर फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स की कंडीशन को, उनके अंदर जो गम्स हैं, जो बोन नीचे है, जो इसने जो दांत को पकड़ के रखा हुआ है सॉकेट में, वो सारी बोन भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसमें मसूड़े भी ख़राब हो जाते हैं, जो लिगामेंट्स हैं, फाइबर्स हैं जो दांतों मसूड़ों को मिलाते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि सिगरेट पीने की वजह से, निकोटीन की वजह से वहाँ पर मसूड़ों में कोई खून नहीं आता, ठीक है, जिस तरह ब्लीडिंग गम्स का इशू बिल्कुल नहीं होता। तो आप यूँ समझ लें कि वो अंदर ही अंदर तबाही हो रही है, ऊपर से उसने उसको मास्क किया हुआ है। तो वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं सिगरेट पीने वाले कि भाई हमारे मसूड़े तो कभी ख़राब हुए नहीं ना, उनमें तो कभी खून नहीं आता, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, दांत हिलने लग जाते हैं, वो बोन ख़राब हो जाती है, बोन रिजॉर्व हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑलमोस्ट, और अल्टीमेटली दांत जब हिलने लग जाते हैं फिर वो निकालने पड़ जाते हैं, एक उसका अल्टीमेट लॉस, परमानेंट लॉस हो जाता है टूथ का। तो ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है, और ओवरऑल वैसे भी बॉडी के लिए कोई सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, वो सिस्टेमिक डिजीज़ भी कॉज करती है, तो ये चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद का एक्सपीरियंस था कि डॉक्टर साहब, दांत आगे वाला निकालना है और इंजेक्शन आप इतना पीछे लगा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हमने कोई ट्रीटमेंट करना होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमने करना है, ख़ासतौर पर जो नीचे वाले दांत हैं, ठीक है, उनमें जो 5-6 दांत हैं जो आगे से पीछे की तरफ तो जाएँ आप, तो प्रीमोलर हैं, मोलर्स हैं, तो उनको जो सुन करने के लिए, नर्म करने के लिए, क्योंकि आपने उसमें प्रोसीजर करना है, तो हम बैक पे जाके ब्लॉक लगाते हैं, इन्फीरियर एलोलर नर्व ब्लॉक, आईडी ब्लॉक उसे कहते हैं, जिसकी वजह से दांत में फिर दर्द नहीं होता जब हम प्रोसीजर करते हैं। तो वो इंजेक्शन ज़ाहिर है पीछे लगाना पड़ता है, तो पेशेंट अक्सर घबरा जाते हैं कि ये क्या, दांत तो आगे वाला है और आप कहाँ पीछे इंजेक्शन लगा रहे हो। तो ये चीज़ समझने वाली है कि इसमें परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि डॉक्टर आपको बैक बैक ऑफ द माउथ पे जाके वो इंजेक्शन लगा रहा है या लगा रही है, तो ये बिल्कुल उसको पता है कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ही फ़ायदे में है, आपको दर्द नहीं होगा उसमें। तो ये बहुत अच्छी, ये अच्छा कंसर्न शेयर किया इन्होंने कि पब्लिक को ये पता होना चाहिए, नहीं होता अक्सर पता, कि जो भी डॉक्टर जहाँ पर वो ब्लॉक लगा रहे हैं उसकी जो नर्व है, हो सकता है वो वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हो, ये चीज़ उन्होंने पढ़ी हुई है, क्वैक्स को नहीं पता इस बात का। तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर के पास ही जाएं, क्वैक्स के पास जाने से बिल्कुल ही आप अवॉइड कीजिए। एक और कंसर्न थी कि डॉक्टर साहब, मेरे दांत का सी सेक्शन हुआ था। चलो, ये तो चलें, हो सकता है कि एजुकेशन लेवल इतना नहीं हो तो लोगों को नहीं पता चलता कि रूट केनाल ट्रीटमेंट क्या है। अब RCT है रूट केनाल ट्रीटमेंट, अक्सर RTC भी कह रहे होते हैं, ठीक है, इवन मैंने कुछ देखा है कि जो मेडिकल साइड के डॉक्टर्स हैं वो भी RTC कहते हैं, ज़ाहिर उनको नहीं पता इस चीज़ का क्या प्रोसीजर है, तो ये उनको, ठीक है, उन्होंने गलती से सी सेक्शन कह दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो सबको पता चाहिए कि रूट केनाल ट्रीटमेंट RCT है, सी सेक्शन नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, दांत निकलवाने से कैंसर हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपने ज़ाहिर है दांत का बेड़ा अगर कर दिए, अब उसको अल्टीमेटली निकालना ही पड़ रहा है, लेकिन कैंसर किस तरह हो सकता है, अगर आप अताइयों के पास जाएंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो सकते हैं, वो आपकी बोन फ्रैक्चर कर सकते हैं, कोई और वो उसमें प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ओरल सर्जन के पास आप जाके दांत निकलवाएंगे, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, वो हर चीज़ की एहतियात करेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट भी स्टरलाइज होंगे प्रॉपरली, और आपको कैंसर नहीं होने देंगे वो। तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, दांत निकलाने से कैंसर नहीं हो जाता, वो आपके एहतियात से काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे। अच्छा, हाँ, ये एक नई चीज़ आई है कि पेट्रोल की कुलियां करने से दांत का कीड़ा मर जाता है। हाँ, ये बस एक मिसकंसेप्शन है, जिस तरह के हमारे यहाँ अक्सर लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, लौंग रख लेते हैं, लौंग तो ऑब्डेंडेड एक्शन है, उसका पेन ठीक हो जाता है, लेकिन ये पेट्रोल की कुलियां करना, तेज़ाब अंदर डालना, ठीक है, कील ठोंकना जाके दरख्त के अंदर, ये सारी चीज़ें गलत हैं बिल्कुल। पेट्रोल की गुलियां करने से अंदर कुछ भी नहीं होता, दांत का कीड़ा तो नहीं मरता, वैसे ही आपका हर चीज़ ख़राब हो सकती है उसमें, ठीक है, आपको आग भी लग सकती है पेट्रोल से, और हो सकता है आपके अंदर और भी स्ट्रक्चर, आपकी ज़बान, हर चीज़ को वो ख़राब कर रहा हो। पेट्रोल की कुली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही हमाकत है ये, ठीक है, बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। ऐसी बात जो भी आपको बताता है आप उसकी तसदीक करें, उसको बताएं भाई आप गलत बात कर रहे हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को अवॉइड करें। अच्छा, कुछ पेशेंट क्या कहते हैं आगे जी,
हाँ जी, हमने फिलिंग नहीं करवानी डॉक्टर साहब, बस आप कोई ऐसी दवा दे दें जिससे कीड़ा खुद दांत से बाहर आकर मर जाए। तो मेरे भाई, जो भी ये जहन में सोचता है इस चीज़ का कि हमने फीलिंग से तो पता नहीं क्या हो जाएगा या नहीं करवानी, और दवाई लेता रहेगा, कोई भी वो एंटीबायोटिक खाता रहेगा, पेन किलर ले लेके अपना मैदा भी ख़राब करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, जब दांत का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो अंदर पीप पड़ जाएगी, सारा अंदर कबाड़ा हो जाएगा, तो फिर दांत आपका निकालना ही पड़ेगा। तो जब भी आपको डॉक्टर बताए कि भाई थोड़ा सा मसला है ये, इसको हम साफ़ करके, जो भी इसमें कैरियस हो चुका है, कैरियस लीजन बन चुका है, कोई प्रॉब्लम कीड़ा लग चुका है, तो उसमें वो कहे कि हम इसमें अब फिलिंग से और भराई से बच जाएगा, दांत आपका बेहतर हो जाएगा, खाने पीने में भी ठीक हो जाएगा, देखने में अच्छा रहेगा, तो आप ज़रूर उसकी बात मान लें, फिलिंग करवा लें। ये कोई ऐसी दवाई नहीं जिससे दांत का कीड़ा मर जाए, ठीक है। दांतों का इलाज ही हो सकता है, दवाइयों से दांतों का कोई वो कंसर्न नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पे दर्द आपका ख़त्म हो सकता है दवाई से, वरना दांत के लिए हमेशा जहन में रखें कि इलाज ही है इसके लिए। अच्छा, फरहान साहब ने क्या कहा है जी? डॉक्टर साहब, कीड़ा पहले ऊपर वाले दांत में था, वो चलकर नीचे वाले में आ गया, जल्दी से भराई कर दें, कहीं किसी और तरफ ना चला जाए। ठीक है बात, वैसे ठीक है। अब वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, कीड़ा चलता फिरता वहाँ मुँह में घूम रहा है वो, ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन जाहिर है कि वो फैल सकता है, जब ये कैरियस लीजन बन गया है, उसके बाद सफाई नहीं हो रही, वहाँ पे खाना फंस रहा है, उसके साथ वाले दांत के दरमियान में खाना फंस रहा है, तो हो सकता है उधर भी कीड़ा लगना शुरू हो जाए, कैरी स्टार्ट हो जाए, तो भराई वाकई कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये बात नहीं है कि दांत वो घूम फिर रहा है, बिल्कुल गलत बात है, अजीब सी बात है, कि वहाँ पर कोई ऐसा कीड़ा नहीं है कि वो नीचे बैठ के ऊपर वाले दांत को ख़राब कर रहा है या नीचे से ऊपर वो शिफ्ट हो गया। बहरहाल ये बात उन्हें फिर भी थोड़ी अकल की है कि भराई कर दें डॉक्टर साहब, तो अच्छी बात है, उनकी सोच सही थी। अच्छा जी, ठीक है जी। डेंटल हेल्थ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, हम सब की ये फ़र्ज़ है कि हम जो भी बातें हैं, जो मिसकंसेप्शन हैं, उनको क्लियर करें एक दूसरे की, सबको बताएं कि हमने कैसे दांतों का मसूड़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, और कोशिश करें फैमिली फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, आपके नेबर्स हैं आसपास, जो भी लोग आपके साथ कांटेक्ट में हैं, उनके अंदर डेंटल और ओरल हेल्थ अवेयरनेस आप ज़रूर पैदा करने की कोशिश करें, उनको बताएं किस तरह से किसी का प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प आउट करें, और जो हमारी वीडियो है इसमें थोड़ी सी हमने भी एफर्ट की है कि बता सकें सबको, ये भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन बातों का पता चल सके, और अगर आपको पसंद आए वीडियोस हमारी तो चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ीद मज़ीद वीडियोज़ भी आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।